होनी होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ये वाक्या रेवाड़ी के मीरपुर गांव में उस वक्त सही साबित हुआ जब एक दूल्हे की शादी के मंडप में ही मौत हो गई। रविंद्र कुमार नाम का एक शख्स सात फेरों की तैयारियां कर रहा था कि अचानक ही वो निढाल हो गया और दूसरे ही पल उसकी मौत भी हो गई। घटना के बाद खुशनुमा माहौल गम में तब्दील हो गया। फिलहाल मौके के मौत के कारणों की जानकारी नहीं लग पाई है। किसी भी शख्स की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है शादी, लेकिन इस शख्स के लिए शादी का दिन ही सबसे बदनसीब साबित हुआ। जी हाँ, ये रविंद्र हैं, लेकिन अब ये सिर्फ तस्वीरों में ही जीवित हैं। 24 साल के रविंद्र ने शादी के बाद के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन शादी के रोज ही उसकी सारी खुशियों को ग्रहण लग गया। मीरपुर गांव का निवासी रविंदर अपनी बीबी के साथ सात फेरे लेने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पहले महिलाओं ने रस्म के तहत दूल्हे को दूध पिलाया, उसके बाद गौरवे की रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी अचानक दूल्हा रविंदर निढाल होकर पीछे की ओर गिर गया। पहले किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तक बात समझ आती रविंदर की मौत हो चुकी थी। अभी गांव से जैसे गुड़खड़ी करके रवाना माजोड़िया खुर्द पहुंचे जी। पहुंचने के बाद में जैसे वो लेडीज हैं दूध दाल पिलाने के लिए आती जी, वहाँ दूध पिलाया बच्चे को उन्होंने, उसमें से एक घूटी दूध तो उसने पिया था, बाकी अपने यार दोस्तों को पिला दिया जी। तो मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगती भी दूध में ऐसा कुछ हो जी, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे गोरवा लेने के लिए बैठे, इस बच्चे को बैठाया गया, वह मंत्र पढ़ रहा था पंडित, पढ़ते पढ़ते जो ही धागा बांधने लगा बच्चा पीछे गुड़ गया। उसके बाद ऑन स्पॉट ही एक्सपायर। रविंदर की सगाई जोड़ी खुर्द निवासी रेखा के साथ हुई थी। रेखा बीएड करके निजी स्कूल में शिक्षक लगी हुई है। वहीं रविंदर की नियुक्ति कंट्रोल ऑडिटर जनरल के पद पर हुई थी और उसे 23 फरवरी को अहमदाबाद में नियुक्ति पानी थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जिसका बेटा दुल्हन के साथ घर लौटना था, वह पिता अपने बेटे के शव को कंधों पर उठाए घर वापस लौटा। गांव से रवाना हुए गुजरी करके और वहाँ अच्छी तरह से बच्चा पहुँचा है, कोई तकलीफ नहीं थी रास्ते में, हर एक को फ़ोन करता हुआ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी कहीं, बिल्कुल नॉर्मल था। और वहाँ जाके बस वहाँ दूध दाल पिलाया है औरतों ने, उसके बाद गोर वाले ने रखे हैं, बस लेते लेते पंडित जी मंत्र उनको बोल रहे थे, उसी टाइम बस तबियत बिगड़ी और अचानक शरीर ठंडा होता चला। हालांकि अभी मौत के कारणों का कुछ पता नहीं लग सका है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा, मगर घटना के बाद वधु एवं वर पक्ष के दोनों गांवों में मातम का माहौल छाया हुआ है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ विचित्र शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।